अगर आपको सामने किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आपको फास्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है ताकि आपको भी बिजली का झटका ना लगे और आप घायल व्यक्ति की जान बचा पाएं। हमारे शरीर बिजली के अच्छे संवाहक है, इसीलिए अगर आप बिजली के स्रोत से जुड़े हुए व्यक्ति को छूते हैं तो बिजली आपके शरीर से प्रवाहित होगी और आपको भी झटका लगेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इलेक्ट्रिक शॉक कितना गंभीर है यह बात पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का करंट और वोल्टेज लगा है। बिजली का झटका गंभीर तरीके से जला सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। यह शरीर में कार्डियक अरेस्ट की वजह बन गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है। मेडिकल इमरजेंसी सर्विस को फोन लगाएं अगर घायल व्यक्ति के शरीर पर गंभीर जलने की घाव है, व्यक्ति कन्फ्यूज है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दिल की धड़कनें धीमी या तेज हो गई है, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाता है, तो फौरन मेडिकल इमरजेंसी सर्विस को फोन लगाएं। सीधे हाथों से बिजली की तार या जहां से करंट लगा है उसको ना छुएं, इससे आपको भी करंट लग सकता है। जिस व्यक्ति को करंट लगा है उसे ना हिलाएं। जहां से बिजली आई है कोशिश करें कि उस सोर्स को बंद करें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर व्यक्ति से उस तार को लकड़ी की मदद से दूर करें। इलेक्ट्रॉनिक तार से एक बार व्यक्ति दूर हो जाए तो इसके बाद उसकी सांसें चेक करें और देखें कि धड़कन है या नहीं। अगर शॉक के संकेत दिखे तो व्यक्ति की जमीन पर लेटाएं। कोशिश करें कि उसकी पैरों को ऊपर उठाकर सिर को धड़े से थोड़ा नीचे रखें। अगर व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बेहोश है, दौड़ा पड़ रहा है, मांसपेशियों में दर्द या सुन है या फिर दिल की धड़कनें तेज है तो जितना जल्दी हो सके उसे मेडिकल हेल्प दिलवाएं। अगर व्यक्ति में सांस लेने और खांसने या फिर किसी तरह की मूवमेंट नहीं दिख रही है तो CPR शुरू करें। कोशिश करें कि घायल व्यक्ति का शरीर ठंडा ना पड़े। जहां जहां जल गया है उन जगहों पर पट्टी या दवाई लगाएं। ब्लैंकेट या तौलियों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके रोएं जले हुए त्वचा पर चिपक सकते हैं। इस वीडियो में बताई विधि, तरीके और दवाओं को केवल सुझाव के रूप में लें। यह वीडियो इनकी पुष्टि नहीं करता है। इस तरह के किसी भी उपचार, दवा, डाइट और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।